दोस्तों ये है हमारे पास एक पुराना मोबाइल। इस पुराने मोबाइल के हम जितने भी कॉन्टेक्ट है नंबर यानी कि मोबाइल नंबर, उसको हम इस हमारे नए मोबाइल में सेंड करेंगे। बिल्कुल आसान तरीका है और बिल्कुल आप अच्छे तरीके से इस वीडियो को अगर समझ लेते हो और पूरा देख लेते हो तो आप ये कर पाओगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हमने ये पुराना मोबाइल लिया है, इसके कॉन्टेक्ट हमें नए मोबाइल में सेंड करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास पुराना मोबाइल, इसका हमको क्या करना है कि डायलर ओपन करना है। यहाँ पर ये डायलर है, इसको हम ओपन करना है। उसके बाद ऊपर यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट पर क्लिक करेंगे, कॉन्टेक्ट पर आपने क्लिक कर दिया, उसके बाद ऊपर आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने आ रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्टेक्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आ रहा है एक्सपोर्ट टू स्टोरेज डिवाइस, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप वीडियो को ध्यान से देख लो, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं एक्सपोर्ट टू स्टोरेज डिवाइस। उसके बाद अब जितने भी कॉन्टेक्ट आपको सेंड करने हैं, यहाँ पर आप ऑल कॉन्टेक्ट सभी, मतलब जितने भी आपके नंबर सेव है इस फ़ोन में, सभी को सेंड करना चाहते हो तो यहाँ पर ऑल कॉन्टेक्ट पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक फोल्डर आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। आप इसको किस फोल्डर में सेव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है कि ये जो मोबाइल है, सो फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले आपको इस फ़ोन में ये सेव करना पड़ेगा, ये इस पुराने फ़ोन में सेव करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर चेंज पत्ती और जो भी आपको फोल्डर में सेव करना है उसके लिए यहाँ पर चेंज पे क्लिक करेंगे। तो आप अपने हिसाब से फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए कि आप किस फोल्डर में इसको सेव करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर फ़ोन स्टोरेज सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद में मान लो कि मेरे को ये एग्जाम्पल की इस फोल्डर अभी हम सेव कर लेते हैं इसको, चलो अभी हम सेव कर लेते हैं एग्जाम्पल पे फंड्स वाले ऑप्शन में, ठीक है। फंड्स में हमने क्लिक किया, उसके बाद ऊपर डन पे क्लिक करना है, डन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद नीचे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक्सपोर्टिंग होना स्टार्ट हो चुकी, ये सभी उस फोल्डर में चले जाएंगे। देख सकते हो कॉन्टेक्ट हैव बीन एक्सपोर्टेड। अब यहाँ पर हम कैंसिल कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम कि हम उसी फोल्डर में जाते हैं जहाँ पर हमने अभी सेव किया था। तो यहाँ पर हमने फोन स्टोरेज पे क्लिक करना है, हमने सेव किया था इसको फंड्स वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पर हम चलते हैं फंड्स वाले ऑप्शन फोल्डर में। यह है फंड्स, देख सकते हो जितने भी कॉन्टेक्ट हैं हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। अब दोस्तों क्या करना है आपको कि यहाँ पर ये हमारा पुराना मोबाइल है, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है ये नया वाला है, तो इसमें हमको सेंड करना है। तो यहाँ से आपको इसको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर सेंड पर क्लिक करना है आपको, और उसके बाद यहाँ पर अब इस फ़ोन में आपको क्या करना है दोस्तों कि इसमें आप ब्लूटूथ को ऑन कर लीजिए, ठीक है, नए मोबाइल में। उसके बाद यहाँ पर ब्लूटूथ से हम इसको सेंड करेंगे हमने अपने नए वाले मोबाइल में। तो यहाँ ब्लूटूथ पे क्लिक किया, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर जो है ये हमारे फोल्डर में सेव है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सेंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लूटूथ से हम सेंड करेंगे। आपको नया मोबाइल में ब्लूटूथ को इनेबल करना होगा, यहाँ से आप जाइएगा ब्लूटूथ को इनेबल कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर ऑन पर क्लिक कर दें। अब जो भी आपका फ़ोन है नया उसमें ये उसका नाम यहाँ पर आएगा ब्लूटूथ का, ठीक है, ये ब्लूटूथ का नाम। तो आप जो भी फोल्डर है उस पर, जो भी आपका मोबाइल का मॉडल है उस पर क्लिक करके उधर एक्सपेक्ट कर लीजिए, तो उधर जो है ये आ जाएंगे। अब दोस्तों आप क्या करना है, आपको नया मोबाइल लेना है जिसने अभी है। दोस्तों अब आपको क्या करना है कि आपको अपना नया मोबाइल लेना है, अभी हमने वहाँ पर एक सेंड किया था तो उसमें आपको ब्लूटूथ वाले ऑप्शन पर जाना है। ब्लूटूथ वाले फोल्डर में जाइएगा और वहाँ पर अभी जो हमने फाइल सेंड की थी वो वहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ पर हमने चलते हैं ब्लूटूथ में, यहाँ पर ब्लूटूथ पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो ऊपर फर्स्ट पे आ रहा है सबसे, ये फाइल अभी हमने शेयर की थी हमारे पुराने मोबाइल से नए मोबाइल में। तो अब इसको आपको टैप करना है, उसके बाद क्या करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। सिंपली दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको जो है इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐसा ऑप्शन आपके सामने आएगा कि दिस इज कॉन्टैक्ट बैकअप फाइल, इंपोर्ट द कॉन्टैक्ट इनसाइड। तो आपको सिंपली इंपोर्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इंपोर्ट करोगे तो जितने भी सारे कॉन्टैक्ट है वो ऑटोमेटिकली अपने आपके नए मोबाइल में सेव हो जाएंगे। ये सिंपल सा तरीका है और आसान मैंने इस वीडियो में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। कोई डाउट है नीचे कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।